मेरा YouTube पे चैनल है, यूट्यूबर हूँ ये। हाँ, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं गुलशन मेमार में। यहाँ के इंचार्जेस से मैं आपको मिलाऊंगा और वहाँ पे फिर हम ये देखेंगे कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, ये लोग किस तरह फलाही काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक मीना बाज़ार लगा हुआ है जिसमें तकरीबन यहाँ के इंचार्जेस का कहना ये है कि 115 स्टॉल ख़वातीन ने लगाए हैं। इस वक्त हम इस्लामिक कल्चर सेंटर गुलशन मेमार के सामने मौजूद हैं। इस्लामिक कल्चर सेंटर गुलशन मेमार इस्लामिक वैल्यूज़ पर अपने तमाम प्रोग्राम का इनेकाद करती है। आज 12 तारीख को हमने इस्लामिक कल्चर सेंटर में ख़वातीन का मीना बाज़ार लगवाया है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ही ख़रीदार हैं और ख़वातीन ही दुकानदार हैं। यहाँ पर ख़वातीन मौजूदा माशी हालात के पेश नज़र जो अपने घर की हिफाजत में अपना हिस्सा शामिल करती हैं, ऐसी बहनों को, ऐसी ख़वातीन को हमने दावत दी है कि वो यहाँ स्टॉल लगाएं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 115 से ज़्यादा स्टॉल इस वक्त यहाँ मौजूद है और तकरीबन ऐसे ही लोगों से हमने मदद की है, इसलिए कि हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। ये गो के सरकारी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसी ख़वातीन जो अपने घर की हिफाजत में किरदार अदा करती हैं, उनके लिए कोई इस तरह के कारोबार करने या इस तरह के जगह फराहम करने की कोशिश करें। लेकिन इस कसम खुशी की हालत में, माशरे के इस माशी तंगी की हालत में जो ख़वातीन ये काम करना चाहती हैं, इस्लामिक कल्चर सेंटर ने उनकी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जहाँ पर एतमाद के साथ, मुकम्मल तहफ़ के साथ ख़वातीन हर तरह के स्टॉल यहाँ लगा दी, जहाँ फैब्रिक्स है, जहाँ ज्वेलरी है, जहाँ कॉस्मेटिक्स हैं, जहाँ फूड कॉर्नर्स हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक कल्चर सेंटर हर मरतबा जो है अपने इस तरह के प्रोग्राम यहाँ के मुकामी लोगों के लिए अरेंज करती है और इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी अरेंज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह का लगना चाहिए, इस तरह चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए ताकि औरतें घरों से बाहर निकल के अपने लिए कुछ अपने लिए काम कर सकें, तो ये एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। नहीं तो ये चीज़ जो है ये तो आप किसी आम बाज़ार में भी जाके लगा सकते हैं, इस बाज़ार में और बाहर के बाज़ार में क्या फ़र्क है? क्योंकि बाहर के बाज़ार में ये फ़र्क है कि यहाँ गुलशन मेमार के जो लोग हैं वो बाहर जाना बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, शहर की तरफ जाना, तो यहाँ पे ये नियरेस्ट है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा, तो अभी आपका सुबह से जो रिस्पॉन्स आया है वो आपका कैसा आया है लोगों की तरफ? काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या स्टॉल में लगाया हुआ आपने? मेरे पास चना चाट है, खट्टे आलू है, दाल खटाई है, सैंडविचेस है। ठीक है, तो ये क्या आपने सब होममेड आपने खुद बनाई? बाज़ार में ये है कि जेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड माहौल होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा है कि यहाँ सब इस्लामी बहन है और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हाँ, ये तो है कि फैमिली फेस्टिवल के उससे होता है तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, लेकिन अभी लेडीज़ आ रही हैं, बाय भी कर रही हैं और खा भी रही हैं, जायके चख रही हैं, डोनेशन के तौर पे भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा ये थोड़ा बेटर है कि इधर यहाँ से भी हेल्प हो जाएगी, दूसरा हम जो स्टॉल लगा रहे हैं हमारी भी अपनी आ रही है। मैंने कपड़ों का ज्वेलरी है थोड़ी सी और परफ्यूम वगैरह है, 4-5 साल से रिसेलर हूँ। जी जी। और मैं कपड़े स्टिच करके भी सेल करती हूँ और वैसे भी। कौन से, बच्चों के कपड़े करती हैं? नहीं, सब ओवरऑल, बड़ों के भी और घर में भी स्टिचिंग के लिए कपड़े आते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह के स्टॉल मेमार में इस्लामिक कल्चर सेंटर वालों को और लगाने चाहिए? महीने लगाने चाहिए, मैं तो कहती हूँ हर जगह लगाने चाहिए ताकि हम लोगों को जो है ना काम करने का मौका मिले और औरतें आगे बढ़ सकें। ये वाला कार्ड आप सेल भी कर रही हो? यस। ये कितने का सेल कर रही हो? 100 का। महंगा नहीं है बहुत? नहीं। क्यों? ये भी इतना महंगा, ये भी इतना महंगा, फिर ये भी महंगा, पूरे इस पे कॉस्ट जो है वो वैसे ही ज़्यादा आ गई है।
जी जी बिल्कुल, ये हमने खुद पेंटिंग सारी हैंड से पेंटिंग है आपकी अपनी। तो ये मुझे बताइएगा कि इसमें कितना टाइम लग जाता है आपको एक पॉट में पेंटिंग करने में? एक पॉट में तकरीबन आधा घंटा तो आप कम से कम रखें ना। बड़ा वाला पॉट कितने में? ये 1500 का है। अच्छा, सब में मैंने प्राइस लिखी है, लगाई। तो ये आपने सिर्फ इस फंक्शन के लिए, इस मीना बाजार के लिए कराई है या आप वैसे भी ये काम करती हैं? ऑर्डर भी लेती हूँ उसके। अच्छा, पार्सल भी मैं करती हूँ, जैसे ऑर्डर पे इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है पॉट्स एंड सिंक के नाम से। एक तो सोशल सर्कल बढ़ रहा है हमारा, हमें मालूम हो रहा है यहाँ पे कौन किस तरह से घर में अपने काम कर रही हैं, और दूसरी बात एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, मैंने खुद फर्स्ट टाइम यहाँ इंस्टॉल कर किया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह एडमिन यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं बिल्कुल। तो ये आपको नहीं लगता कि स्टॉल जो आपको अपर स्टॉल जो इन्होंने रेट लिए हैं वो ज़्यादा लिए हैं? सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं कहूँ और वैसे कहूँ तो मुझे रेट सही लग रहा है, मुनासिब है। अच्छा, तो आप लोगों के पास सुबह से रिस्पॉन्स कैसा है? अभी तो आने शुरू हो रहे हैं कस्टमर, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई है। एच एच एंटरप्राइजेस के नाम से मेरा अपना पेज भी है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। और मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तकरीबन 5 साल हो गए मुझे। ये मैंने स्प्रे करके अल्लाह और मोहम्मद लिखा है जी। इसमें मैंने शेड डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है और स्प्रे करके इसमें स्प्रे पेंट से कुन पैक में लिखा है। बाकी इसमें मैंने वॉटिव डाल के जो होता है उसमें जो है वो लिखा है। आफीन उबैद साहिबा जो हैं वो हमारे साथ हैं और यहाँ की मेंबर हैं, और ये हमें बताएंगी कि ये एक्चुअली इस्लामिक कल्चर सेंटर इस गुलशन मेमार के अंदर अपनी क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। तो आइए हम इनसे चलते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये हमारा ICC इस्लामिक कल्चर सेंटर गुलशन मेमार में कायम है और यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइब्रेरी बनाई है और कंप्यूटर के लिए एक पूरी लैब मौजूद है, बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे आएँ यहाँ पर पढ़ें, कंप्यूटर सीखें, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है वो सारा यहाँ पर आके कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेंटर के अंदर एक मैयत गाड़ी मौजूद है और मैयत को नहलाने और उसके तमाम काम के इंतज़ाम भी मौजूद हैं। जहाँ तक बात है मीना बाज़ार ऑर्गेनाइज़ करने की, तो सबसे पहले हमारा जो इसका मकसद था वो ये था कि इस इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में लोग जानें कि ये है क्या, यहाँ पर आएँ इसको देखें। और फिर जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो हर किसी की कोशिश होती है कुछ ना कुछ उसका अर्निंग करने का। तो हमारा मकसद ये था कि जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन जो घरों में अपना बैठ के काम करती हैं, वो यहाँ पर आएँ और आकर अपनी चीज़ें सेल करें और उससे उनको मुनाफा। कोशिश की थी कि हम कम से कम उसका मार्जिन रखें, तो हमने सिर्फ 1000 रुपीज़ एक टेबल का वो चार्ज किया है। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ख़वातीन ने कहा है कि बहुत कम कीमत पर हमने जो है उनको एक अच्छी जगह फराहम की। तो आप लोग जो है ये इस तरह का फंक्शन या इस तरह का जो बाजार है आप लोग हर महीने मुनक्कद करते हैं या पहली दफ़ा यहाँ पे ये कर रहे हैं? ये हमने पहली कोशिश है हमारी और अल्लाह के फजल से बहुत अल्लाह ताला ने हमें इसमें बरकत दी है। आइंदा भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम खवातीन को सहूलत देने के लिए इस किस्म के बाजार ऑर्गेनाइज करते रहे। इस वक्त हम लाइब्रेरी में मौजूद है। आदम जी ड्यूरा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के CEO अब्दुल माजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी यहाँ के इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में तफसीलात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि इस्लामिक कल्चर सेंटर की जानिब से मीना बाज़ार जो लगाया गया है उस हवाले से मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात रखूँ। देखें, जब भी मार्च का महीना शुरू होता है तो औरत की आज़ादी के हवाले से पूरे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में और एक गूंज जो है वो सुनाई देती है। मगरिब ने फेमिनिज़्म के नाम पर औरत और मर्द को हरीफ बना दिया है, हालांकि फितरी तौर पर दोनों एक दूसरे के हलीफ हैं, माविन हैं, मददगार हैं। मगरिब का मुकम्मल प्लान ये है कि जिस तरह उसके माशरे में औरत जो है वो बिल्कुल बेकार सी एक शय बना दी गई है और मर्द जब चाहता है जिस तरह चाहता है उसका इस्तेमाल करता है, वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम माशरे में भी औरत को उसी तरह गिरा दिया जाए। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मुस्लिम माशरा अब भी बेदार और ज़िंदा है। हमारे यहाँ औरत महफूज है, ख़ानदान मुस्तहकम है। इस्लामिक कल्चर सेंटर चूँकि एक इस्लामी तहजीब को और अंदार को नुमाया करने के लिए गुलशन मेमार की प्लान का हिस्सा था, इसलिए
इसके तहत हम ऐसी तमाम सरगर्मियाँ करते हैं जो इस्लामी अखदार के अहम मुताबिक हो और इस्लामी अखदार को फ़रोग देने वाली हो। ये मीना बाज़ार भी उसकी एक मिसाल है। यहाँ औरत की दुकानदार है, औरत की ख़रीदार है, महफूज और महफूज और चार दीवारी के अंदर एक महफूज माहौल है और उस माहौल में औरत जो है वो अपनी सरगर्मियाँ अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं। बाहर उनके भाई, उनके बेटे, उनके खाविन जो है वो उनकी निगरानी और हिफाजत के लिए मौजूद हैं और अंदर वो अपनी माशी और ख़रीदारी सरगर्मियाँ जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। और ये तरीक़ा ज़ाहिर है ज़रा बेहतर तरीक़ा है जो इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियादों में ये चीज़ चूँकि मौजूद है कि हम इस्लामी अखदार को फ़रोग देंगे, उसका तहफ़ करेंगे, उसको माशरे में एक नुमाया हैसियत देंगे, इसीलिए हमने ये मीना बाज़ार का अहतमाम किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, आपने यहाँ पर मीना बाज़ार का मुआयना भी किया और माशरे को उससे आगाही भी। यकीन करें कि गर्मी से मेरा बुरा हाल है इस वक्त और पसीने में मैं लथपथ हूँ। सिर्फ एक से डेढ़ घंटे में मेरा जो है ना वो काम उतर गया, ये समझ लें। लेकिन औरतें यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगा के खड़ी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं, अपनी हैंडमेड चीज़ जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद है, जिनके अंदर टैलेंट है, वो भी देखें। औरतों को टैलेंट दिखाने का अपना मौका मिलता नहीं है कहीं पर, तो औरतें जो हैं यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने के लिए मौजूद हैं हर वक्त। एक प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो वो दुनिया के हर शोबे में तरक्की कर सकती हैं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्लामिक कल्चर सेंटर वालों का भी कि उन्होंने इस तरह मुझे इन चीज़ों को दिखाने का भी मौका दिया। इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं और ये एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें, फैला दें इस पूरी दुनिया में। भाई को जो है ना वो मैं कहता हूँ कि आग लगा दी, आग लगा दी, गुड हो गया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।